हाँ अगर वाइन वो देनी है तो साथ थोड़ी सी दूसरे में एंटीबायोटिक को दे दें, वो हर मरीज के साथ उसके जिस्म के मिसाइल के मुताबिक डील करते हैं। एलुदा जो होते हैं जब उनके पास रूहानी अमराज के मरीज आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, वो भी जायजा लेके उनके मर्ज के मुताबिक उनको तवज्जो देते हैं, जिक्र कराते हैं, उनको इबादत तलकीन करते हैं और मर्ज दूर हो जाता है, सेहत बहाल हो जाती है, रूह तवाना हो जाती है और बंदा अल्लाह की बारगाह का शाहबाज बन जाता है। शाहबाज बन जाता है, अकबर का शाहीन, शाहीन कभी परवाज से थककर नहीं गिरता, शाहीन कभी परवाज से थककर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू नहीं खतरा उसका अल्लाह परवाज है दोनों किसी एक हिजाब में, गर्गस का जहां हो या शाहीन का जहां हो, तू शाही है परवाज है काम तेरा, कोई तेरे आगे आसमां और भी है, तू शाही है बसेरा का पहाड़ों की चट्टानों पर, नहीं तेरा नशीम कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा का पहाड़ों की चट्टानों पर। आप फरमाते हैं कि जो एलुदा होते हैं इन्हें कश्यफ और इल्हाम और फराज को बसीरत का नूर अल्लाह देता है, कहते हैं इसकी मेरी छठी से ये कह रही है मेरे सिक्स्थ सेंस वो हरकत में मुझे लग रहा है कि ये मामला ठीक नहीं, आना गुजार सब ठीक होता है, कहते नहीं मेरी शरीयत फटक रही है, तो ये फरासत होती है छठी हिस्स होती है, तो अहमदा की छठी हिस्स बड़ी बेदार होती है, उनकी ये आंखें भी खुली होती हैं और दिल की आंखें भी खुली होती हैं। हजूर ने फरमाया कि ताकत फरासत मोमिन हुआ यान सुरों में नूर इंदा मोमन की फरासत कलमी से करो, उसे अहमदा समझा करो, वो अल्लाह के दिए हुए नूर की रोशनी में देखता है। देखो ऐसे जिक्र अल्लाह का कितना जिगरा होता है, बंदा जब पास आता है उसको एक एक बात का पता चल जाता है, ये फाटिया ये झूठ है, ये बड़ा वाहियात है और फला फला फलासत इस पर लगी हुई है, वो फिर भी सीने से लगा है, सब कुछ जानते हुए उनमें जाने से क्या छुपा रहे, उनके करीब से गुजर तो उन्हें पता चल जाता है वो दाल खा क्या है, आम खा क्या है, क्या कर गया है, क्या नहीं कर, और मुंह से झूठ बोल देगा नहीं सच बिल्कुल ठीक हजरत बिल्कुल सही यही बात सही ना प्रभु क्या से रसेला काम फरमाया करते थे मेरे आगे सामने झूठ को नहीं बोल सकता झूठ क्या बोलो पता चल जाता है, ये तो इंसान थोड़ी सी कॉमन सेंस में हो तो वो भी पहचान लेता है चेहरे के तासरात देख जो दिल के तख्ती को पर लिखा हुआ सब कुछ देख रहा हो उसे क्या जो जुबान हजरत इमाम आजम को मुफ्ता हम तुला ने अर्ज की मौला मुझे ये रात दिखाए जाए, फरमाते हैं अगले दिन सुबह उठा तो मैं देख रहा हूँ कौन जनाब करके आया, कौन शराब पी के आया, कौन डाका मारता है, कौन चोरी करके आया, कौन जुआ खेल के आया, कौन माँ बाप का दिल दुखा के आया, एक एक की ख्वास में मुझे नजर आ रही है, मैंने कहा मौला मुझे माफ कर दे मैं इतने ऐप नहीं देख सकता, जाते मासी अजाब में जा रहा छीन ने मुझसे आपसा मेरा, तो ये भी कैसी कैफियत होती है, तो अल्लाह करीम ने आप उस कैफियत को फिर बदल दिया, तो हजरत साहब फरमा करते थे कि एलुदा जो है ये दिलों के जसूस होते हैं, अल्लाह वाले की मजलिस में जाओ तो अपने दिल पर कंट्रोल रखो, उलमा की सोबत में जाओ तो अपनी जबान पर कंट्रोल रखो, वो बोलेंगे तुम बोलोगे तो वो बोला वो खतवा ठोकेंगे या पता चल जाएगा कि ये कहां किसने बात की, ऐ अल्लाह के करीम बहनों के जो सोचोगे ना वो भी पता चल सकता है।
But otherwise, in the dark of the grass of the woman, who was gentle and more in love. Hazrat ne ayat quote kiya jisme faraste karmi ka zikr hai jaisa ki shaade bani kana hai aapa man shara man wa sadra ul dil islam fa huwa na ala nuri min rabbi alfaz ko gaur karo surah zumar ki ayat number 22 hai farmaya ki aapa man yani to kya जिसका सीना अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए खोल दिया तो वो अपने रब की तरफ से नूर पा गए आपका मन क्या बस जिसका शारा अल्लाह खोल दिया अल्लाह ने सकरा उसका सीना अल्लाह ने सीना खोल दिया क्या उसका पेट जा कर दिया क्या उसका दिल चीर दिया बताना ये शरह सदर क्या है सीना उसका अल्लाह कहते मैंने खोल दिया बुला तो नहीं बेशक आप चेक कर ले अल्ट्रासाउंड कर ले इसी जी कर ले एंजियोग्राफी कर ले डॉक्टर कहेंगे कोई शायद नहीं खुली एज इट इज वर्किंग एज यूजुअल अल्लाह कह रहा मैंने खोल दिया तो पता चला ये सीने का खुलना तो और खुलना इसी को बातन कहते हैं यही शरीयत का बातन अल्लाह कहते हैं जिसका मैंने सीना खोल दिया फाहुवा अला नूर बस वो एक नूर रोशनी पा रहा है रब्बे ही अपने रब की तरफ से और रब ने उसको एक रोशनी दे दी है तुम उसके साथ क्या मथा लगाओगे जिसको अल्लाह नूर दे दे ये फैज क्या हम कहते हैं फैज आ रहा है सीना खुल रहा है अल्लाह भी यही कह रहा है कि मैं सीना खोलता भी नूर भी देता हूँ और बेवकूफ कहे ये सूफियों ने अपने पास से ये नूर गाड़ दिया है सीना खुलना गाड़ दिया है तो कुरान का मुनकर है तो अल्लाह कैसे सीना खोलेगा जब उस तरफ रुजू करेंगे रोएंगे दुआ करेंगे इंतजार करेंगे अल्लाह उनकी जरबे मारेंगे इतना के जरबे मारेंगे तो फिर ही वो खोलेगा कुछ मांगेंगे तो वो देगा जब वो देगा तो कहाँ आएगा कानों में आएगा पेट में आएगा नहीं जो कुछ आएगा वो कल्ब में आएगा दिल में आएगा सीने में आएगा तो सूफी क्या कहते हैं सादे रजा फारूकी साहब क्या कहते हैं सूफी यही कहते हैं कि मेरे दिल में फैज आ रहा है नूर आ रहा है मेरा सीना दिल दरिया समुद्र और डूंगे कौन दिला दिया जामी बिचे भेड़े बिचे झेड़े बिचे वज मुखाने ते चौदह तबक दिले ने अंदर अंदर तबू वापो ताले अल्लाह जिसका सीना खोल दे अल्लाह कितना खोल देता होगा ये देखो माँ की छोटी सी पुत्री अल्लाह ने दे दबी पड़ी है सूरज कितना बड़ा है जमीन से बड़ा है कि नहीं करोड़ों खरबों जमीनें सूरज के एक कोने में रख दें तो नजर ही ना वो मोड़ इंसान का डेला कितना बड़ा है डेले के अंदर पुतली कितनी छोटी है जो देखती है एक छोटी सी एक इंच से भी छोटी एक सूतर जिसकी पुतली के अंदर इतना बड़ा सूरज आ गया है वो दिल की आंख जो है अगर सीना खोल दिए तो ये कायनात भी नजर आ सकता ये आंख देखे तो करोड़ों मीलों पर अपनी जमीन अपने वजूद तो क्या अपनी जमीन से करोड़ों गुना बड़ा है सूरज को देख लेती है दिल की आंख खुले तो मदीना नहीं देख सकती बच्चों की बात है इस सर की आंख में तो इतनी कुवत है इतनी इसके अंदर बसारत है कि ये अपने वजूद क्या जमीन से करोड़ों बड़े सूरज को चांद और सितारों को देख के जज्ब कर लेती है तो जब दिल की आंख खुले तो हम मदीना नहीं देख सकते।